हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा गीजर के एलिमेंट और थर्मोस्टेट के वायरिंग कनेक्शन। इसमें ये है एलिमेंट जो कि पानी को गर्म करेगा, और ये है थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और कट ऑफ करता है। इसमें आप टेम्परेचर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये है इंडिकेटर, हीटिंग इंडिकेटर और कट ऑफ इंडिकेटर। ये है कट ऑफ के दो टर्मिनल, ये है हीटिंग के दो टर्मिनल। ये है मेन सप्लाई के दो टर्मिनल, फेस और न्यूट्रल, और ये है अर्थ। तो थर्मोस्टेट में कोई भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं, फेस या न्यूट्रल। कट ऑफ का कोई भी टर्मिनल लेता हूँ क्योंकि थर्मोस्टेट जो है वो कट ऑफ करता है। तो इसमें कट ऑफ का एक टर्मिनल और एक फेस थर्मोस्टेट के एक स्लॉट में कनेक्ट होगा। तो इसमें कट ऑफ का एक टर्मिनल और एक फेस जुड़ गया है। तो कट ऑफ का दूसरा टर्मिनल थर्मोस्टेट के दूसरे स्लॉट में जाएगा और यहीं से एक टर्मिनल एलिमेंट में जाएगा। तो कट ऑफ का दूसरा टर्मिनल जो है वो थर्मोस्टेट के दूसरे स्लॉट में कनेक्ट कर दिया है और यहीं से ही एक टर्मिनल जो है वो एलिमेंट में जाएगा, जो कि ये जोड़ के रखा है। तो इसमें फेस वायर का काम खत्म हो गया है। यहाँ से थर्मोस्टेट से यहाँ से लेके यहाँ से हेलमेट में फेस चला गया है। तो ये बचा है न्यूट्रल वायर जो कि हेलमेट के दूसरे इसमें कनेक्ट होगा, और यहाँ हीटिंग इंडिकेटर के दो टर्मिनल बचे हैं। तो इसमें से कोई भी एक टर्मिनल न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करके दूसरे स्लॉट में लगाऊंगा। तो ये न्यूट्रल और हीटिंग इंडिकेटर का एक एलिमेंट के साथ ये कनेक्ट। तो हीटिंग इंडिकेटर का दूसरा टर्मिनल जो है वो फेस के साथ कनेक्ट होगा। तो इसमें सभी कनेक्शन जो है वो जुड़ गए हैं। तो अब मेन सप्लाई को ऑन करेंगे। ये देखिए हीटिंग इंडिकेटर जो है वो ऑन हो चुका है, मतलब ये पानी गर्म करना स्टार्ट कर रहा है।